देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन के तहत संभावित बाढ़ से निपटने को लेकर की जा रही तैयारी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपदा संपूर्ति पोर्टल, सरकारी एवं निजी नाव का निबंधन, प्रखंड अनुश्रवण समिति की बैठक, आपदा संपूर्ति सूची का अनुमोदन, नाव का भौतिक सत्यापन, सैंड बैग का सत्यापन, राहत शिविर का सत्यापन, तटबंध की सुरक्षा, नहरों की स्थिति, पटवन की स्थिति एवं SDRF भवन का निर्माण आदि संबंधित बिंदुओं पर बारी बारी से चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि तटबंध सुरक्षा में संबंधित सभी बाढ़ नियंत्रण डिवीजन के कार्यपालक अभियंता को तटबंध की निगरानी करवाने और कटाव निरोधक कार्य संपन्न करा लेने और आकस्मिक स्थिति के लिए बालू भरे बैग चिन्हित स्थलों पर रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारी को बालू भरे बैग का सत्यापन करा लेने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पंचायतवार लाभुकों का डाटा का सत्यापन कराकर प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति से अनुमोदित कराते हुए सभी अंचलाधिकारी अपने अंचल के डाटा को जिला आपदा शाखा में भेजना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने नाव का रजिस्ट्रेशन करा लेने और सामुदायिक किचन का जियो टैग के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बताया गया कि दरभंगा में 13 स्थलों पर बाढ़ आश्रय भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। बताया कि 4 स्थलों के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, शेष में निर्माण कार्य जारी है। इसके अतिरिक्त बाढ़ राहत शिविर के लिए 411 भवन एवं सामुदायिक किचन के लिए 541 भवन चिन्हित है। उन भवनों में से कई भवनों के समीप के चापाकलों की मरम्मती के लिए PHED को सूची दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का आधार सत्यापित नहीं हो पा रहा तो उस परिवार के अन्य सदस्य की डाटा आधार के साथ अपलोड कराया जाए। बताया गया कि 550 निजी नाव एवं 172 सरकारी नाव उपलब्ध है। जिलाधिकारी ने प्रभारी पदाधिकारी आपदा को निर्देश दिया कि जिन अंचल के द्वारा डाटा अद्यतन नहीं है उन अंचलाधिकारी से कारण परीक्षा की जाए। साथ ही चेतावनी देते हुए जल्द से जल्द अपने डाटा 100% अद्यतन कर लें। बैठक में अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी आपदा आलोक राज, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर शंभुनाथ झा, जिला कृषि पदाधिकारी विपिन कुमार बिहारी एवं पदाधिकारी गण उपस्थित थे। कहानी सुना रहे नहीं सुना? क्या अभी आपको जो दुख आ रहा है सुना लेने बाहर से आए हैं? नहीं, नहीं आए। चिकरा लिया गया है मुझे, बस इन की कॉपी भेजे हैं। प्रोसीडिंग की कॉपी भेजे हैं तीन बेलादुल्ला में एक निजी तालाब को अवैध रूप से मिट्टी से भरा जा रहा था, तभी मौके पर मोहल्लेवासी और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि पहुंचकर विरोध किया। वहीं बताया जा रहा है कि वार्ड तीन के रहने वाले अशोक ठाकुर के द्वारा इस तालाब को भरा जा रहा था। जैसे ही इस बात की जानकारी स्थानीय लोगों तक पहुंची, लोगों में काफी आक्रोश का माहौल दिखा। स्थानीय जनप्रतिनिधि वार्ड नंबर 3 के पार्षद प्रति प्रेमचंद्र उर्फ भोलू यादव ने इसका कड़ा विरोध किया। वहीं संबंधित थाना विश्वविद्यालय थाना को इस बात की जानकारी दी गई और पुलिस मौके पर पहुंचकर काम को रुकवाया।
और नगर आयुक्त सहित दरभंगा के जिलाधिकारी को इस बात से अवगत कराया। वहीं स्थानीय लोगों का सीधा आरोप है कि यह पोखर में कई साल से पूजा पाठ और छठ मनाया जाता है, लेकिन अब अशोक ठाकुर के द्वारा इस पोखर को अवैध रूप से कब्जा कर मिट्टी भराई का काम किया जा रहा है। छठ पवनी करते हैं, जितिया पवनी करते हैं, जैसे नहाते हैं, पूजा पाठ। ये मंदिर नहीं है यहाँ पर, जो हम लोग नहाएंगे जल ढारेंगे, सो सब करने के लिए है नहीं है। जब से शादी करके आए हैं तब से इसी में छठ पवनी करते हैं। अच्छा। कहीं नहीं गए हम। अच्छा। जितना पीटीसी है मिठू मंदिर नहीं जाते। अच्छा। यही पूजा करते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग घर है, महल है, उसको छत बना कर पोखरी बनाएंगे। पोखरी ना सबसे बड़ा बात है कि ये आदमी कम से कम जिसको भी जमीन दिया है, 200-400 आदमी को घर बसाया है, बेचा है जमीन, उसके से उससे भी केस लड़ता है, और यहाँ के सामाजिक जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उस पर केस करते हैं, और सब जगह जाके डीएम एसपी ऑफिस डीएम ऑफिस सभी जगह जाके बोलते हैं वृद्ध आदमी है। अरे वृद्ध आदमी इसीलिए तो आपको छोड़ देता है लोग, और उसके बाद भी आप क्या करते हैं, सब पर केस डालते हैं, अपनी उम्र का फायदा अपने उम्र का फायदा उठाते हैं, सभी जगह दौड़ते रहते हैं, उनका सहयोग ये नूनू जी भी करते हैं, हर एक ऑफिस में इनका भी जाना रहता है, सब केस में इनका गवाही का नाम रहता है। बताइए। अच्छा बताइए, परेशान किया जाना लोगों को। कर रहे हैं अशोक कुमार ठाकुर जो तालाब नहीं भर रहे हैं नारियल का गाछ के बचाव के लिए, घाट में बराबर घाट कटता है, उनका जो कहना है जो बराबर कटता है तो उसमें दो चार फीट हम भरवा रहे हैं। इसमें कंटल मिट्टी नहीं है, इसको तो लेबलिंग कर रहे हैं, अपना प्लॉट बनाता है। बोला नहीं मुंशी जी, हुआ इस पे और ड्राइवर होता है, उन्होंने बोला है कि यहाँ 5-6 घंटा का काम है, आप करिए। पार्टी भी आया था, वो दोनों आया था देखने के लिए, देख करके अपना गया है, बोला तले काम करो। पार्टी कौन है? दीपक, अभी दीपक का नाम बोलो, दीपक कौन है? दीपक ये जैसे भी ड्राइवर हुआ, यहीं का है, यहीं का है। हाँ, गिरा रहा है, और यही चीज देखे हैं, और क्या नीचे तालाब तक देखे हैं? तालाब भी देखे, तालाब मट्टी गिरा हुआ। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार, हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ, आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। प्रत्येक सोमवार की तरह सोमवार को भी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार लगा। दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों से फरियादी पहुंचे थे। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में पहुंचे वे फरियादियों में जमीनी विवाद से लेकर मारपीट और भी कई बातों की शिकायत लेकर पहुंचे थे फरियादी। जनता दरबार के संबंध में हमने दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि केस से संबंधित कुछ मामले थे और जमीनी विवाद से संबंधित मामले थे, इसमें थाना अध्यक्ष और अंचल अधिकारी के साप्ताहिक बैठक में जाने के लिए बोला गया है। और वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि एक मामला था जिसमें अंचल अधिकारी और थाना अध्यक्ष के ऊपर ही आरोप लगाया जा रहा था, जिसमें एसडीओ और एसडीपीओ को कहा गया है कि ये लोग अपने स्तर से इस केस को देख लेंगे और मामले के संबंध में जांच करेंगे। संबंधित कुछ मामले थे और कुछ मामले थे जो जमीनी विवाद से संबंधित थे, तो उनको थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी की साप्ताहिक बैठक में जाने के लिए बोला गया है। एक मामला था जिसमें अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष के ऊपर ही आरोप लगा रहे थे आवेदक, तो एसडीओ और एसडीपीओ को कहा गया और जॉइंटली रिव्यू कर रहे हैं केस का ही, जमीनी विवाद का ही मैटर है, एसडीओ एसडीपीओ उसको रिव्यू करके अपने स्तर से देखेंगे। दो तीन मामले थे जो कांड के लंबित रहने या अपहृता की बरामदगी से संबंधित थे, संबंधित अंचल निरीक्षक और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को उसमें निर्देशित किया गया है कि कांड में अनुसंधान त्वरित गति से पूर्ण करें। सर, अभी भी कई थानों में देखा जाता है कि किसी चोरी की घटना होती है, आवेदन देने जाते हैं तो रिसीविंग ज़्यादातर लोगों को दोहराया जाता है, रिसीविंग नहीं दिया जाता। ऐसा कोई भी शिकायत आता है तो हम लोग को जरूर लोग अपना प्रमाण के साथ दें, क्योंकि सभी SHOs को कहा गया है कि रिसीविंग देनी है, और उस पर जो भी लीगल एक्शन होता है वो उनको करना जरूरी नहीं कि FIR ही दर्ज कर लें। हाल के हाल
आप जांच करना चाहते हो तो जांच कर लें, बट रिसीविंग तो देनी है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है तो प्रमाण के साथ हमें जमा करे, एप्लीकेशन दे, हम उसे सचिव के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। छात्र संवाद कार्यक्रम में पहुंचे छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष गगन यादव का स्वागत। मिथिला के परंपरा के अनुसार पाक चादर से पूर्व जिला राजद अध्यक्ष राम नरेश यादव ने किया। प्रदेश अध्यक्ष गगन यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति में 3 वर्ष की डिग्री सेशन लेट होने की वजह से 4 से 5 वर्षों में पूरा होता है, तो 4 साल की डिग्री निश्चित ही 6 से 7 वर्ष में पूरी होगी। छात्रों का बजट हजारों में बढ़ेगा। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, जिससे गरीब शिक्षा से और वंचित हो जाएगा। पूर्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष मनीष यादव ने कहा कि वर्तमान में समय में बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी चुनौती है। छात्र डिग्री हासिल करने के बाद रोजगार के लिए भटक रहे हैं। विश्वविद्यालय अध्यक्ष अभिषेक राम ने कहा कि संगठन का महाविद्यालय में विस्तार किया जाएगा। वहीं विश्वविद्यालय प्रभारी पीयूष राज ने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। वहीं डॉक्टर राजेश राम ने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय में एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं है, निजी कॉलेज के माध्यम से PhD कराई जा रही है। मंच का संचालन नागमणि यादव ने किया। कार्यक्रम में राजद नेता डॉक्टर संतोष गोस्वामी, पटना विश्वविद्यालय के निशान जीप सदस्य प्रतिनिधि बबलू सहनी, राजनीति विज्ञान विभाग के शोधार्थी कृपाल जी, विश्वविद्यालय महासचिव शिवम यादव, राजेश राम, विनेश मंडल, माधव यादव, ऋषि यादव, रोहित कुमार, मोहम्मद अरमान अशरफ, अमन कुमार, रोहित सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित थे। पूरे बिहार में छात्र संवाद का कार्यक्रम लगाया जा रहा है और तीसरे चरण में आज दूसरे दिन हम लोग आज आपके विश्वविद्यालय NNMU में आपके बीच हैं। छात्र संवाद के जरिए तमाम बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों में जो छात्रों की समस्या है, साथ साथ उनका जो सुझाव है कि कैसे छात्र राजद के साथ लोग जुड़े, साथ साथ छात्रों की जो समस्या है उसका निदान हो, उसको लेकर के पूरे बिहार भ्रमण पर हम लोग निकले हैं। अपना परिचय दीजिए। निशांत यादव, पूर्व उपाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय। देखिए, छात्र राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पूरे बिहार में हर एक कॉलेज एवं हर एक विश्वविद्यालय में हर एक जिला में जाकर के छात्र संवाद करवा रहे हैं और इस छात्र संवाद के माध्यम से हम आम छात्रों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और उनकी समस्याओं के समाधान हेतु हम लोग हर एक जगह जो है छात्र संवाद करवा रहे हैं। और खास करके जो छात्र संघ चुनाव होने वाला हर एक विश्वविद्यालय में, छात्र संघ चुनाव के मद्देनज़र हम लोग अपने संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं, आम समस्याओं के समाधान हेतु हम लोग प्रयास। ललित नारायण, मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के बीटेक प्रथम सेमेस्टर एवं बीटेक तृतीय सेमेस्टर परीक्षा 2022 का परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया गया। कुल परीक्षार्थियों में सभी उत्तीर्ण हैं। उत्तीर्णता प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉर्ली सिन्हा और स्कूल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित ने बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और इस कार्य को तत्परता से संपन्न कराने के लिए परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्र, उप परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार एवं उप परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर AP गुप्ता और परीक्षा विभाग के सभी कर्मियों को कार्यों की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया। उप परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि छात्र अपना परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.lnmu.ac.in के माध्यम से देख सकते हैं। तो विश्वविद्यालय विभाग और प्रेमचंद जयंती समारोह समिति के संयुक्त तत्वाधान में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 143वीं जयंती प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह की अध्यक्षता एवं डॉक्टर लाल कुमार के संचालन में संयोजित की गई। इस अवसर पर किसानी जीवन प्रेमचंद और आज का कथा साहित्य विषयक परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमें शिक्षकों, शोधार्थियों एवं छात्र छात्राओं ने अपनी सहभागिताएं दी। अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने कहा कि प्रेमचंद ने कथा साहित्य को तिलस्म और अय्यार की दुनिया से निकलकर किसानों और मजदूरों के जीवन पर केंद्रित किया। उनके दुख दर्द को अपनी कहानी और उपन्यासों में चित्रित किया। आज किसानों और मजदूरों की हालत प्रेमचंद के समय से भी खराब हो गई है, लेकिन उसकी नोटिस कोई भी नहीं कर रहा। किसान आत्महत्या के लिए बाध्य, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है।
डॉक्टर लाल कुमार ने परिचर्चा का विषय प्रवेश किया। तदुपरांत शिवम मिश्रा ने सहभागिता के क्रम में कहा कि प्रेमचंद ने वर्तमान ही नहीं भविष्य को भी इंगित किया। दर्शन सुधाकर ने कहा कि प्रेमचंद ने आम पाठकों के लिए लिखा। वे आरंभ में हृदय परिवर्तन में विश्वास करते थे, पर बाद में क्रांतिकारी बदलाव के समर्थक हो गए। शोधार्थी सियाराम मुखिया ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कहा कि प्रेमचंद की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। वे किसानों मजदूरों की आवाज थे, लेकिन आज उनके सुनने वाला कोई नहीं है। अमित कुमार ने जुलूस कहानी की व्याख्या करते हुए प्रेमचंद की लेखनी के महत्व को रेखांकित किया। डॉक्टर मंजरी खरे ने प्रेमचंद को भाषा की सीमाओं से परे बताया। वे युग प्रवर्तक थे। डॉक्टर खरे ने कहा कि आज साहित्य बटा हुआ है, लेकिन प्रेमचंद के कथा साहित्य में सभी वर्ग हैं, सभी विमर्श हैं। प्रेमचंद जयंती समारोह समिति के संयुक्त सचिव मुजाहिद आजम ने कहा कि आज का दौर आत्म केंद्रित है। ऐसे दौर में प्रेमचंद का स्मरण महत्वपूर्ण है। साजिश के तहत प्रेमचंद, नागा अर्जुन जैसे लेखकों को गायब किया जा रहा है, जिसका प्रतिकार अपेक्षित है। परिचर्चा के अंत में शोधार्थी दुर्गानंद ठाकुर ने उपस्थित शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। परिचर्चा में बड़ी संख्या में शोधार्थी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। 31 जुलाई को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातक तृतीय खंड विज्ञान संकाय परीक्षा 2023 का परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया गया। कुल 96.88% परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए। सफल छात्रों के स्वर्णिम भविष्य के लिए कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा एवं कुल सचिव प्रोफेसर अजय कुमार पंडित ने शुभकामनाएं प्रेषित किया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता 2023 का आयोजन नेहरू स्टेडियम लहरियासराय दरभंगा में 3 अगस्त को किया जाना है। जिला खेल पदाधिकारी दरभंगा परिमल द्वारा बताया गया कि दरभंगा जिला से चयनित विजेता टीम को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सहभागिता के लिए 5 से 7 अगस्त 2023 तक अंडर 17 बालक वर्ग बांका, अंडर 17 बालिका वर्ग सिवान और अंडर 14 बालक वर्ग भागलपुर में भाग लेंगे। 62वां सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल नेशनल प्रतियोगिता 2023 का आयोजन नई दिल्ली में 19 सितंबर 2023 से 23 अक्टूबर 2023 अंडर 17 बालक एवं बालिका वर्ग एवं बेंगलुरु कर्नाटका में 30 सितंबर 2023 से 10 अक्टूबर 2023 अंडर 14 बालक वर्ग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। गौरतलब है कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी को अपने जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, विद्यालय का परिचय पत्र एवं अंक पत्र लाना अनिवार्य है। 31 जुलाई को डेफोडिल्स इंग्लिश स्कूल बाकरगंज लहरियासराय दरभंगा के प्रांगण में शोक सभा का आयोजन किया गया। विद्यालय प्रबंधन के समिति के खास सदस्य राजकुमार मंडल के पिता स्वर्गीय सोने लाल मंडल, जो लाइट हाउस इस्माइलगंज लहरियासराय दरभंगा के निवासी थे, उनका 29 जुलाई को रात्रि 10 बजे दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया था। विद्यालय परिवार उनकी आत्मा की शांति के लिए एक दिवसीय दिनांक 31 जुलाई को विद्यालय बंद की घोषणा करते हुए शोक सभा का आयोजन किया गया। उनके तस्वीर पर फूल और माला अर्पित कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मौन सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार, विद्यालय प्रबंधक हेमेंद्र कुमार श्रीवास्तव, प्राचार्य रूना कुमारी, प्रबंधन समिति के अन्य सदस्य राम प्रसाद ठाकुर, अजय शाह, अमर कुमार, ममता चौधरी, मोहम्मद अंसारी, बलराम महासेठ, विद्यालय के शिक्षकगण मीनू कुमारी, संगीता कुमारी, नुसरत प्रवीण, लालू यादव, अर्चना सिन्हा, रेशमी प्रवीण एवं छात्राएं उपस्थित हुए और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिया गया। सोमवारी पर शिव मंदिर के एम टैंक लहरियासराय में शिव भक्तों ने सोमवार को शिव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। चौथे सोमवारी में भी मंदिर पर भक्तों की काफी भीड़ देखी गई।
बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दो, हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में ये थे अब तक के समाचार। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।